नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशन पे और मैं हूं आशुकेश तिवारी। आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, ऐसा कह सकते हैं कि वर्ल्ड स्तर पे भारत की रिप्रेजेंटेशन और बेहतरीन हो गई है, खासकर में स्पोर्ट्स में। हमने जब से ही ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, यानी स्वर्ण पदक जीता, जब हमारे सुपरस्टार नीरज चोपड़ा ने हमें स्वर्ण पदक दिलाया, तब से ही भारत का चाम, भारत की चर्चा पूरी विश्व में हो रही है। आपको बता दें कि इसी गोल्ड मेडल को लेके अब एक और खबर सामने आई है। स्पोर्ट्स के सबसे बड़े अवार्ड को अब आयोजित किया जा रहा है। उस अवार्ड के लिए सबसे बड़ा नाम भारत से नीरज चोपड़ा का सामने रखा गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है ये। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नीरज चोपड़ा का नाम सबके सामने रखा गया है। और आपको इसके साथ साथ ये भी बता दें कि नीरज चोपड़ा भारत के तीसरे ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। क्या है ये अवार्ड? 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड है जिसके लिए इनको नॉमिनेशन मिली है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया था और इसके बाद से जितेश फोगाट को भी इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने इंस्टाग्राम हैंडल से भी दी और उन्होंने बताया कि ऐसे ही मैं अपने देश का नाम रोशन करते रहना चाहता हूं और ऐसे ही मैं अपने देश को स्वर्ण पदक दिलाते रहना चाहता हूं। नीरज चोपड़ा हमारे देश के गोल्डन बॉय है, हमेशा वो अपने अदाकारी, अपने परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। गोल्डन बॉय वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने आज तक कोई भी सिल्वर मेडल नहीं जीता, बस एक सिल्वर मेडल जीता था और वो भी सिल्वर मेडल उन्होंने अपनी अंडर 19 के वक्त में जीता था। हम एशियन गेम्स की बात करें, ओलंपिक्स की बात करें, एशियन एथलीट्स की बात करें, अंडर 20 की बात करें, हर जगह पर उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया है और गोल्ड लेके आए हैं। आपको बता दें कि इसी खबर से रिलेटेड, नीरज चोपड़ा से रिलेटेड हम आपको एक और बात बताते हैं, क्योंकि आज जब नीरज चोपड़ा की बात हो रही है और जब इस अवार्ड की बात हो रही है तो इसी अवार्ड से रिलेटेड एक कहानी सुनाते हैं। जब इस अवार्ड के लिए सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया था, तब नीरज चोपड़ा के घर वालों ने उन्हें फिटनेस को लेकर जोरदार, ऐसा कह सकते हैं कि डांट लगाई थी, जिसके बाद से नीरज चोपड़ा ने जिम ज्वाइन किया था और वहीं से उनकी जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस शुरू हुई थी और वहीं से उसमें उनका इंटरेस्ट आया था। तो ये अवार्ड के नॉमिनेशन को सुन के वो मोटिवेट हुए और उसके बाद से वो जैवलिन थ्रो में आए और उसके बाद से उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता और अब एक बार वो विश्व के सबसे बड़े स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। और ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात और भी ज़्यादा इसलिए बन जाती है क्योंकि 1400 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने बहुत सारे स्पोर्ट्स आर्टिस्ट और प्लेयर्स को इसमें नॉमिनेट किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके गोल्ड का जितना पूरी दुनिया में कितनी बड़ी चेंजिंग और कितनी बड़ी बात को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने गोल्ड जीता था, इसके साथ साथ उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया था और इसी रिकॉर्ड ने भारत का नाम एक बार फिर से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।